Hello, how are you all? I hope you all are fit, fine and happy at your home. So today we are going to study about Rescue, a new story about Rita and a dog. Dekhte hain? One day, ek din, Rita was walking home from school. Rita school se ghar aa rahi thi. She tripped over her loose shoelace. Tripped means बस गिरते गिरते बच गई, फंस गई उसकी loose shoelace. कई बार हम shoelace को अच्छी तरह से नहीं बांधते हैं तो हम भी गिरते गिरते बच जाते हैं या फिर लड़खड़ा जाते हैं. As she bent over to tie the shoelace, जैसे ही वो झुकी अपनी shoelace को टाइट बांधने के लिए, she heard a sound. उसने एक आवाज़ सुनी. It was coming from our little side street. ये सड़क के बस थोड़े ही किनारे की तरफ से आ रही थी. She listened for a minute. उसने एक मिनट तक सुना. That sounds like a dog whimpering, she thought. जो आवाज़ थी उसने सोचा कि ये जो आवाज़ है वो एक कुत्ते के whimpering. Whimpering means धीरे धीरे से आहट, आहें भरते हुए रोना. I wonder if it's hurt. मुझे लगता है इसको चोट लगी है. रीता walked slowly into the side street. रीता सड़क के किनारे धीरे से गई. She saw a pile of broken boxes. रीता ने क्या देखा? She saw. उसने देखा. क्या देखा? उसने देखा एक पाइल है. पाइल मीन्स ढेर. ब्रोकन बॉक्सेस का ढेर. अ डॉग वॉज लाइंग इन द मिडल ऑफ द मेस. और एक कुत्ता उस मेस यानी कबाड़ के बीच में, मिडल में लेटा हुआ था. ओह यू पुअर थिंग, यू मस्ट बी हंग्री, सेड रीता. रीता ने क्या कहा? ओह बेचारे से, मुझे लगता है तुम भूखे हो. द पुअर डॉग वॉज सो स्किनी, इट्स रिब्स वर स्ट्राइकिंग आउट. वो जो कुत्ता था वो बिल्कुल स्किनी था, मतलब इतना दुबला पतला था कि उसकी हड्डियाँ भी नज़र आ रही थी, है ना? दैट इज़ कॉल्ड स्किनी. इट रिब्स, इट्स रिब्स. रिब्स मीन्स ये वाली जो पसली की हड्डी होती है, ये वाली हड्डियाँ वर स्टिकिंग आउट, नज़र आ रही थी, बाहर की तरफ नज़र आ रही थी, क्योंकि वो उसकी स्किन उससे पूरी तरह से स्टिक थी, चिपक चुकी थी, तो उसकी हड्डियाँ भी नज़र आ रही थी. रीता वेंट क्लोज टू सी इफ द डॉग वॉज हर्ट. रीता थोड़ा और पास गई ये देखने के लिए कि अगर कुत्ते को चोट लगी है क्या. शी वॉन्टेड टू हेल्प, वो मदद करना चाहती थी, सहायता करना चाहती थी. बट शी न्यू शी शुडंट पिक अप द स्ट्रेंज डॉग. लेकिन वो जानती थी कि वो एक अजनबी कुत्ते को उठा नहीं सकती. हमको मम्मी हमेशा सिखाती है कि हमको कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और स्ट्रेंज चीज़ों को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए. वैसे ही रीता की मम्मी ने भी उसको समझाया होगा, इसलिए उसने उस कुत्ते को नहीं उठाया. आई थिंक आई विल गो एंड गेट यू समथिंग टू ईट. आई थिंक मैं सोचती हूँ मैं जाऊँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ. शी विस्पर्ड टू द डॉग. उसने कुत्ते से ये फुसफुसा कर कहा. शी रैन होम फॉर फूड एंड वाटर. वो दौड़ कर गई अपने घर क्या लेने के लिए? फूड एंड वाटर. हर हाउस वॉज नियर बाय. उसका घर पास में ही था. रीता प्लेस्ड द फूड एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग. रीता ने खाना और उस पानी के बर्तन को उस कुत्ते के पास रख दिया. देन शी लेफ्ट. फिर वो चली गई. बट स्टॉप्ड नियर द कॉर्नर. लेकिन एक कोने में जाकर रुक गई. एंड और लुक्ड बैक. पलट कर देखा. शी वॉन्टेड टू सी
what the dog would do. वो यह देखना चाहती थी कि वो कुत्ता क्या करता है. After a few minutes, कुछ minutes के बाद, the hungry dog crept over to the food and water. कुछ minutes के बाद, वो भूखा कुत्ता crept. Crept means झपटा. वो कुत्ता भूखा था ना, वो कुत्ता भूखा था इसलिए उसने जैसे ही देखा कि वहाँ पर फूड है और वाटर है तो वो जल्दी से उसके पास लपक गया, झपट लिया. ही एट अ लिटल एंड टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर. उसने थोड़ा सा खाया और पानी का कुछ घूंट पिए, या फिर अ ड्रिंक वी कैन से एक घूंट पिया. एवरी डे हर दिन द थॉटफुल गर्ल ब्रॉट फूड फॉर द डॉग. हर दिन वो एक अच्छा सोचने वाली बच्ची, अच्छा सोचने वाली लड़की उस कुत्ते के लिए खाना लेकर आती थी. इन अ फ्यू डेज कुछ ही दिनों में शी वॉज एबल टू कम क्लोजर. वो उस कुत्ते के पास आने जाने लगी. पहले तो वो दूर जाके रुक गई थी सबसे पहली बार, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अब वो उसकी दोस्त बन गई थी तो पास जाने लगी. द डॉग वॉज लुकिंग बेटर. अब वो कुत्ता जो पहले स्किनी था अब अच्छा दिखने लगा है. हिज रिब्स डिडंट स्टिक आउट एनी मोर. अब उसकी रिब्स यानी वो पसलियों की हड्डी अब अपनी स्किन से यूँ चिपकती नहीं है, नज़र नहीं आती है. वन डे एक दिन रीताज काइंडनेस वॉज रिवॉर्डेड. एक दिन रीता की ये दयालुता या दया रिवॉर्ड की गई. रिवॉर्ड मीन्स इनाम मिलना. उसे क्या इनाम मिला देखते हैं. द डॉग रैन अप टू हर व्हेन शी केम विद द फूड. वो डॉग दौड़ कर उसके पास आ गया जब वो अपने कुत्ते के लिए खाना लेकर आई. पहले वो दोस्त नहीं था लेकिन वो बहुत प्यार से दौड़कर उसके पास आ गया. रीता लेट द डॉग स्मेल हर हैंड. रीता ने उस डॉग को, उस कुत्ते को अपना हाथ सूंघने के लिए दे दिया. जैसे डॉग्स कैसे अपना प्यार जताते हैं अपने मालिक के लिए, वैसे ही अब वो डॉग भी रीता को प्यार करने लगा था. देन शी जेंटली पैटेड हिज हेड. पैट मीन्स ऐसे थपथपाना. जेंटली मीन्स अच्छे से, आराम से, धीरे धीरे से. वैसे ही उस जैसे कुत्ते ने रीता को प्यार जताया, रीता ने भी कुत्ते के सर पर, हिज हेड, सर पर पैट किया. व्हेन रीता स्टार्टेड टू लीव, जब रीता जाने लगी, शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर. जब रीता जाने लगी उसने एक आवाज़ सुनी अपने पीछे. शी पीक्ड ओवर हर शोल्डर एंड सॉ द डॉग फॉलोइंग हर. उसने अपने कंधे से पीछे मुड़कर देखा और उसने क्या देखा कि कुत्ता उसको फॉलो कर रहा था. व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची, रीता कॉल्ड मदर कम एंड सी व्हाट आई हैव. माँ इधर आइए, मेरे पास क्या है. जब आप लोग भी बाहर से कुछ लेकर आते हो तो मम्मा को दिखाते हो ना, वैसे ही रीता ने भी दिखाया. हर मदर केम टू द फ्रंट डोर एंड लुकड आउट. उसकी माँ बाहर आई और बाहर के सामने के कमरे में आई, सामने के दरवाजे पर आई और उसने देखा. क्या देखा. सो दिस इज वेयर ऑल द लेफ्ट ओवर्स हैव बीन गोइंग, शी सेड. क्या कहा उन्होंने, उसकी माँ ने कुछ कहा. उसने कहा कि ओ अच्छा, तो जो भी बचा कुचा खाना था वो यहाँ जाता था. रीता एक्सप्लेन्ड हाउ शी हैड फाउंड द होमलेस डॉग. रीता ने अपनी माँ को एक्सप्लेन किया यानी बताया कि उसको वो कुत्ता कैसे मिला था. होमलेस मीन्स बेघर, वो बेघर कुत्ता उसको कैसे मिला था. फाउंड मीन्स मिलना. एंड वॉट शी हैड बीन गोइंग, और उसके साथ जो कुछ भी उसने किया वो सारी बातें उसने अपनी माँ को बताई. He doesn't have a home. Mother, I think he would make a good pet, said Rita. Rita ने कहा
उसके पास घर नहीं है माँ, मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा पालतू बनेगा। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, सेड मदर। माँ ने कहा, पर तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। दे टुक द लिटिल डॉग टू अ वेट फॉर अ चेकअप। वो लोग उस छोटे से कुत्ते को वेट, वेट मीन्स वेटनरियन डॉक्टर, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, उसके पास चेकअप के लिए लेकर गए। दिस इज अ टफ लिटिल गाय, सेड द वेट। वेट ने क्या कहा कि ये एक टफ यानी मजबूत लिटिल गाय है, छोटा प्यारा सा है। ही विल बी फाइन विद गुड केयर एंड लव। वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी अच्छी देखभाल और प्यार से। दे ब्रॉट देयर न्यू पेट होम। वो उस अपने नए पालतू को अपने घर लेकर आए। मदर गेव द डॉग अ बाथ। माँ ने उस कुत्ते को नहलाया। रीता फिक्स्ड अ बेड फॉर द डॉग ऑन द फ्लोर। रीता ने जमीन पर उस कुत्ते के लिए एक छोटा सा बेड फिक्स किया। इट वॉज बाय हर ओन बेड, और वो उसके बेड के जस्ट बाजू में ही था, एकदम पास में था। द डॉग फर्स्ट लुक्ड एट द बेड ऑन द फ्लोर। सबसे पहले उस कुत्ते ने अपने उस बेड को देखा जो ज़मीन पर था। एंड देन उसके बाद एट रीताज बेड, उसने देखा रीता के बेड को। ही हॉप्ड अप ऑन टू रीताज बेड, और वो रीता के बेड पर कूद कर, जंप करके, हॉप करके पहुंच गया। एंड फेल अस्लीप देयर, और वहीं पर सो गया। रीता क्लाइम्ड इनटू हर बेड विद अ स्माइल, और रीता भी मुस्कुराते हुए अपने बेड पर चढ़ गई। शी फेल अस्लीप थिंकिंग, और वो सोचते हुए सो गई। क्या सोचते हुए सो गई? नाउ अब आई हैव माई ओन डॉग, अब मेरे पास मेरा अपना कुत्ता है। आई वंडर वॉट आई शुड नेम हिम, मैं सोचती हूँ मैं इसका क्या नाम रखूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द डॉग एंड रीता, एंड द नेम वॉज रेस्क्यू। आई होप यू लाइक द स्टोरी, प्लीज़ वॉच इट अगेन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।